अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे कि व्हाट रियली इज साइकोलॉजी, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि गोल्स क्या हैं साइकोलॉजी से, हम साइकोलॉजी से अचीव क्या करना चाहते हैं, या फिर जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या किरदार अदा करता है, और फिर उसके बाद हम कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स की थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले अगर हम साइकोलॉजी के वर्ड को देख लें तो साइकोलॉजी का काफ़ी एक लंबा सा वर्ड है जो कि एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो साइकी एंड देन लोगोस। अभी साइकी का जो मतलब है वो है माइंड या फिर सोल, और लोगोस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ। और ये जो लोगोस है ये और भी बहुत सी फील्ड्स के एंड पे आपने देखा होगा लगा होता है, जैसे कि जूलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, तो इसी तरह से साइकोलॉजी भी। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड या फिर द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोल। तो साइकोलॉजी का जो मतलब है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें जो लेटेस्ट अभी साइकोलॉजी की डेफिनेशन है उसकी, उसके मुताबिक साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स बिहेवियर। अब इसकी डेफिनेशन को अगर आप गौर से देखें तो तीन चीजें आपको नजर आती हैं, एक साइंटिफिक स्टडी, उसके बाद मेंटल प्रोसेसेस, और तीसरे नंबर पे ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि तीन चीजें मिलके तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन को बनाती हैं। सबसे पहले अगर साइंटिफिक स्टडी की बात कर लें तो साइंटिफिक स्टडी साइकोलॉजी जब स्टार्ट हुई तो इस साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं था, ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट था, और लोग बस अपने तजुर्बात की बेस पे इसमें चीजें ऐड और माइनस करते रहते थे। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आई कि जहां पर ये डिसाइड किया गया कि साइकोलॉजी को हमने एक साइंटिफिक स्टडी बनाना है, और जो भी इसमें थ्योरी कोई बंदा देगा या कोई भी हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो साइंटिफिक बेस पे होगी, या जो भी साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम वो अपनाएंगे, तो फिर ही साइकोलॉजी के अंदर कोई भी थ्योरी या कोई भी चीज़ हम ऐड करेंगे। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चली कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। दूसरे नंबर पर मेंटल प्रोसेस से मुराद वो सब चीज़ें जो हमारे माइंड में चल रही होती है, जैसे हमारी थिंकिंग है, हमारी परसेप्शन है, जो कुछ भी हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं वो सारे मेंटल प्रोसेसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड देन ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर से मुराद हमारा लोगों से, हमारी सोसाइटी से इंटरेक्शन कैसा है। अभी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस में लिंक क्या है कि जो कुछ हमारे मेंटल प्रोसेस में होगा वही हम लोगों से बिहेव कर रहे होंगे और वही हमारे बिहेवियर से भी शो होगा। लेकिन मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर में बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि अगर हम अपने मेंटल प्रोसेस जो है वो लोगों को दिखा नहीं सकते और अपना बिहेवियर लोगों से छुपा नहीं सकते, सही है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेंटल प्रोसेस एंड द बिहेवियर। अभी हम बात करते हैं गोल ऑफ साइकोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, या एक साइकोलॉजिस्ट क्या रोल परफॉर्म करता है। तो चार बेसिक गोल्स हैं साइकोलॉजी के जो कि हमारे मेंटल प्रोसेस और हमारे बिहेवियर से ही रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो गोल है साइकोलॉजी का वो है टू डिस्क्राइब। अभी यहाँ पर हम डिस्क्राइब क्या करेंगे, किसी भी बंदे के मेंटल प्रोसेस को या उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने किसी बंदे को देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा अपसेट बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा कि दैट पर्सन इज अपसेट। तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया उसके बिहेवियर को। अभी दूसरा जो पर्पस होगा या दूसरा जो गोल है साइकोलॉजिस्ट का या साइकोलॉजी का वो है टू एक्सप्लेन। अभी जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया कि वो बंदा परेशान है, वो बंदा अपसेट है, अभी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करना है कि वो बंदा परेशान या फिर अपसेट क्यों है। यहाँ पर हमने सारे जो मामला है उसको समझने की कोशिश करनी है कि कौन सी वजूहात हैं या कौन से रीजंस हैं, वाय तलाश करने की हमने कोशिश करनी है कि क्यों वो बंदा परेशान है। तीसरे नंबर पर हमने प्रिडिक्ट करना है, जिसे उर्दू में पेशन गोई भी कहते हैं। यानी एक दफ़ा जब हम उसके बिहेवियर को अच्छे से समझ जाएंगे कि ये अगर उस बंदे के सामने बात होगी तो वो बंदा परेशान हो जाएगा, हमने जब एक्सप्लेन कर दिया उसके बिहेवियर को, तो फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर फ्यूचर में भी उस बंदे के सामने इस तरह की बात की जाएगी तो वो फिर से परेशान हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर तीन अभी गोल्स अचीव कर लिए हैं। सबसे पहले हमने किसी भी बंदे के बिहेवियर को या उसके मेंटल प्रोसेस को जो है वो डिस्क्राइब करना है, फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है कि अगर हमने ये जो डिस्क्रिप्शन दी है ये क्यों दी है, उसकी रीजन हम बताएंगे। तीसरे नंबर पर हमने प्रिडिक्ट करना है कि अगर फ्यूचर में भी ये चीज या ये वाली बात उस बंदे के सामने की जाएगी तो वो फिर से यही बिहेवियर शो करेगा। अभी चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो है टू चेंज द बिहेवियर या फिर टू चेंज दैट मेंटल प्रोसेस। यानी अगर मैंने किसी के सामने कोई बात की तो उस बात को सुन के या उस बात के रिएक्शन में वो बंदा परेशान हो गया तो हमने उसके बिहेवियर को चेंज करना है। यानी अगर किसी बंदे के माइंड में नेगेटिविटी है तो हमने उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ हमने चेंज करना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक साइकोलॉजिस्ट का। जैसे कि बहुत से लोग डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, ये एक नेगेटिव बिहेवियर है। अभी इस नेगेटिव बिहेवियर को एक साइकोलॉजिस्ट चेंज करता है पॉजिटिव बिहेवियर में। और याद रखिएगा कि पॉजिटिव को नेगेटिव में भी हम चेंज करते हैं। एक बंदा बहुत खुश है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसकी पॉजिटिविटी को हम
नेगेटिविटी की तरफ भी लेके आ सकते हैं, बट ये एक साइकोलॉजिस्ट का मकसद नहीं है। साइकोलॉजिस्ट का मकसद है एक बंदे के बिहेवियर को चेंज करना, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। अभी लास्ट पे बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। देखो, स्कूल ऑफ थॉट उसे उर्दू में मकतबाए फिगर भी कहते हैं, जैसे मुसलमानों में भी कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जैसे शिया और सुन्नी। इसी तरह से साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट की बात को मानने से इनकार कर देता है और फिर वो अपनी ही एक नई फील्ड बनाता है और अपना एक नया स्कूल ऑफ थॉट या अपना नया एक मकतबाए फिकर या अपना नया एक फिरका बनाता है। इस तरह से साइकोलॉजी में बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद एक अहम स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस बहुत एक अहम स्कूल ऑफ थॉट है, ये भी बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये बहुत अहम स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि अगर आप साइकोलॉजी जब करेंगे तो बहुत डिटेल में आप इन सब स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ेंगे। तो अगर अभी मैं वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट वीडियो में हमने बात की इन डेप्थ साइकोलॉजी के बारे में, जहाँ पर हमने उसकी स्कोप को समझने की कोशिश किया और फिर ये कि फ्यूचर क्या होगा साइकोलॉजी का। तो अगर आप साइकोलॉजी करना चाह रहे हैं तो उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आप लाजमी देखें, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई और चीज़ आप समझना चाह रहे हैं तो वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट को विजिट करें हमारी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि मैं साइकोलॉजी को थोड़ा सा बता सकूँ, इसके गोल को बता सकूँ कि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि अगर वो साइकोलॉजी में आएंगे तो वो क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर और भी रिक्वेस्ट आपकी आई तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतने मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।